हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्ले विद टेक। तो आज का मेरा टॉपिक है वो है स्लाइड रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्लाइड रूल का इन्वेंट किया था उनका नाम था विलियम ऑर्थरेड, और इसका इन्वेंट हुआ था 1622 में, और जो प्लेस था वो था स्कॉटलैंड यूनाइटेड स्टेट में। इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं कोनो क्वाली, जिसका मतलब होता है स्लिप स्टिक। इसका जो वर्किंग है वो है डिवीजन, मल्टीप्लाई, ट्रिग्नोमेट्री एल्गोरिदम, स्क्वायर रूट और स्क्वायर। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है आगे देखते हैं। सबसे पहले इसे एक फैक्ट जान लेते हैं कि इसका फैक्ट क्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा फैक्ट है जिसने हिस्ट्री क्रिएट किया था वो किया था 1969 में, जब नासा अपने लूनार स्पेस शटल को मून पे भेज रहा था अपने जो उसके क्रू मेंबर्स थे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, उन्होंने अपने साथ में स्लाइड रूल को चांद पे लेके गए थे फर्स्ट टाइम। एक हिस्ट्री क्रिएट किया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है, ये मींस मल्टीप्लाई और डिवीजन किस तरीके सॉल्व करता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा एडवांस में नहीं जाऊँगा, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एल्गोरिदम कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स तो मल्टीप्लाई डिवीजन भी है, बट करते हैं उसको। तो जो अभी मैं कराऊंगा वो मेरे सिर्फ बैकग्राउंड में देखिए वो किस तरीके से वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं स्लाइड रूल, मीन जो स्लाइड है वो मुझे एक ऐप्स मिला था, उससे मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। तो बेसिकली यूनिट में डिज़ाइन किया गया है, तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने मिलेगा। तो हम इसको कर लेंगे रोटेट यहाँ से, क्योंकि हमको ये स्किल का यूज़ नहीं था, हमको इस स्किल का यूज़ है। तो अब इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो इसे जो बीच में जो लाइन है आपको दिख रहा होगा, जो बीच में जो लाइन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे हेयर लाइन। और जो इसे जो स्लाइडर है जिसको हम यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम कर्सर। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट इंडेक्स, राइट हैंड साइड को कहते हैं राइट इंडेक्स। और जो बीच जो स्लाइड कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्लाइड, जो बॉडी है बॉडी, और अपर पार्ट को कहते हैं हम लोग स्टटर, अपर को स्टटर कहते हैं और लोअर को कहते हैं लोअर स्टटर। तो अब चलिए जानते हैं अब ये वर्क कैसे करता है। मीन्स आपने जान तो लिया अब ये किस क्या है इसके अंदर इस स्लाइड रूम में, तो अब जानते हैं कैसे वर्क करता है। तो चलिए आप देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इस वाले टेबल में। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करते हैं टू से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा हेयर फिन जो हमारा हेयर लाइन है उसको हम टू पे ला कर रख देंगे बॉडी के स्पेक्टेटर पे। आप क्या करेंगे, जो स्लाइडर उसको स्लाइड करते करते हम इसको इसके इक्वल कर देंगे, मीन्स यहाँ पे जीरो मान लीजिए इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। अब जो हमारा कर्सर है अब हमको उसको मूव करेंगे स्लाइडर के टू वाले पे, मूव करते करते टू पे ले जाएंगे। तो अब जो देखेंगे यहाँ पे आप, तो उसके जस्ट जो स्पेक्टेटर है ऊपर वाला वो उसको इक्वल फोर के हो गया है, मीन्स उसके इक्वल फोर, मीन्स टू टू या फोर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट करेंगे, तो मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा टू का टेबल बन चुका है यहाँ पे। कैसे, जैसे कि ऊपर देंगे टू थ्री फोर है, तो मैंने टू को इंटू किया ऐसे, तो नीचे जो तब देख रहेंगे जो टू टू या फोर है, टू थ्री या सिक्स हो गया, टू फोर या एट, टू फाइव या टेन, इस तरीके से मीन्स पूरा टेबल बन चुका है। कहाँ तक, 1000 तक। मीन्स आप यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि मीन्स पूरा टेबल बन जा रहा है, मीन्स अब देखिए थ्री को यहाँ पे किया तो टू बन गया यहाँ पे, टू जो सिक्स, थ्री जो नाइन, इस तरीके से मीन्स पूरा टेबल बन जा रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि हम थोड़ा एडवांस आता है तो मीन्स 200 लेते हैं यहाँ पे, और 200 को मल्टीप्लाई करना ट्राई करते हैं क्या उसका टेबल बना पाएगा, ये देख लेते हैं हम एक बार। तो जैसे कि देख सकते हैं 200 का यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है, 1000 तक का लिमिट है इसके पास में, सदन से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बाकी इससे बड़े बड़े स्केल भी आते हैं बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई का ये रूल किस तरीके से वर्क करता है। चलिए चलते हैं डिवीजन की तरफ में। तो जैसे कि हमने मल्टीप्लाई का एग्जांपल्स देख लिया यहाँ पे, तो अब आगे बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं डिवीजन के लिए। 6 को डिवाइड करते हैं 3 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो हेडलाइन है 6 पे लेके जाएंगे, उसके बाद जो नीचे स्लाइडर है उसको हम क्या करेंगे, हम थ्री के इसके इक्वल कर देंगे, यहाँ पे थ्री लाके छोड़ देंगे, मीन्स 6 और 3 को इक्वल। तो अब जब देखेंगे यहाँ पे हम जब इसके स्टार्टिंग पे जाएंगे 0 पे, और जब ऊपर के स्टेटर पे देखेंगे तो वो 2 आ जाता है यहाँ सर, मीन्स 6 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 2। अब इस स्लाइड रूल से हम कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स डिवीजन भी कर सकते हैं, जो कि ओरली मीन्स मान लीजिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसे हम कर सकते हैं। जैसे कि 20 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे किससे, 9 से। तब तो हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो देखें हम इक्वल हो चुके हैं हमारा स्लाइड और स्पेक्टेटर। तो अब हम जाते हैं स्टार्टिंग के इसके इस पे, तो जो हमारा आंसर आया कुछ 2.21 या फिर उसके मीन्स अप्रोक्स वहाँ पे आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में, तो क्या था हमारा 20/9। तो देख सकते हैं मीन्स उसके अप्रोक्स आंसर हमारा आ चुका है 2.2222। तो ये था हमारा मीन्स किस तरीके से वर्क करता है ये। तो अब सेकंड एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि 90 को डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से। तो जब हमने डिवाइड किया है यहाँ पे 90 को 8 से, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा 10, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट 20 पे आ रहा है, मीन्स 10 का डिवीजन है, मीन्स ये डिवीजन हमारा हो गया 11, मीन्स 11 पॉइंट कुछ यहाँ पे आंसर आ रहा है, मीन्स 11 पॉइंट मान देखे तो
अजप्शन करें यहाँ पे, तो मीन्स 11.3 लग रहा है मेरे को, तब चेक कर लेते इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर आ रहा है 11.25, जो मेरा अजम्पन था यहाँ पे वो मीन्स 0.05 से रॉन्ग हो गया है, मीन्स एरर है 0.05 का। तो अब आपको लग रहा होगा मीन्स इतना सिंपल सा स्केल है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्केल है, ये बहुत ही कुछ कर सकता है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का जो भी मीन्स अगर आपको कोई एंगल फाइंड करना है, मीन्स 10:45 है तो मीन्स अगर 1 आता है तो भी ये कैपेबल है उसको फाइंड करने के लिए, बट मैं यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स जा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये, तब मैं मुझे कुछ एग्जांपल दिखाता है मीन्स किस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो ये देखिए स्क्रीन पे, तो आपने ड्यूजन का एग्जांपल भी देख लिया। तो अब जो इसका एक सेकंड पार्ट है वो होता है सर्कुलर रूल, मीन्स सर्कुलर डिस्क होता है जो एक सर्कुलर स्लाइड रूल टाइप का आता है, बेसिकली वो होता है सर्कुलर फॉर्म में। तो सर्कुलर फॉर्म में भी दो टाइप के आते हैं, एक आता है डबल डिस्क, एक आता है सिंगल डिस्क। तो जो डबल डिस्क है वो सिर्फ यूज होता है मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए, और जो सिंगल डिस्क है वो सेम टू सेम है स्लाइड रूल की तरह, बट डिफरेंस ये है वो स्केल टाइप का होता है और ये होता है सर्कुलर। इसके और भी मतलब इसके बाद भी और भी टाइप्स के जो आते हैं रूलर्स, वो आता है एक सिलेंड्रिकल रूलर्स और एक आता है स्पेरिकल रूलर्स। तो बस आज के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में मिलते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।